हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं यार कुछ एक्सपीरियंस करने आया था दिल्ली में, ठीक है, नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो क्यों ना आपको भी मैं सोचा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। आज छुट्टी थी, मैंने सोचा यार निकलते हैं नोएडा से, थोड़ा दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली का ना जितना मैं कुछ कवर कर सकता हूँ ना वो कवर करेंगे, और अभी नेशनल रेल म्यूज़ियम जो दिल्ली का वो दिखाते हैं सबसे पहले। तो गाइस एंट्री कर ली है, और एंट्री करते ही ये देखो इंडिया का फ्लैग, काफ़ी अच्छा है यार। यहाँ पे टिकट आप लोगों को बता देता हूँ, जो टिकट प्राइस है एडल्ट का 100 रुपीज़ फॉर वीकेंड्स, और वीकडेज़ में 50 रुपीज़। और एक जॉय ट्रेन है जो अभी दिखाएंगे आपको, मुझे भी नहीं पता एक जर्नी है, उसकी टिकट है 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। गाइज ये देखो, ये है पटियाला स्टेट मोनोरेल। सही है यार, इसमें लिखा नहीं कितनी पुरानी है, बट यहाँ पे ना सारी एंटीक इंजन वगैरह, म्यूजियम बहुत अच्छा है यार, प्रॉपर अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में ऐसा कुछ भी है। गाइज ये देखो, लखनऊ रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है, पूरा उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है, नाइस यार। शीशा गंदा हो रखा होगा थोड़ा, तो उसके ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये देखो पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, लखनऊ का रेलवे स्टेशन कैसा है। आगे और भी बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सही है यार, गाइस ये मुंबई का रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी, वाओ ब्यूटीफुल यार। और ये देखो यार, इंजन है सारे पुराने, ये पहले रनिंग में थे, बट यहाँ के म्यूजियम बना दिया है तो इनको। ये देखो यार, जो मेरे सामने आप देख सकते हो, सर रोजर लुमले, नाइस अमेजिंग यार, इंडियन रेलवेज। तो गाइस ये देखो, ये यूनिक चीज़ है, ये रेलवे स्टेशन में होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका इंजन गाड़ी के आगे लगा होता है, यू नो डब्बों के आगे लगा होता है एज ऑलवेज, तो उसमें क्या होता है, अब ट्रेन मुड़ तो सकती नहीं, ठीक है, अब उस इंजन को अब उन डब्बों के आगे दोबारा लगाना होगा बैक साइड से, अगर उसे वापस उसी जर्नी पर जाना है, तो इसे घूम जाता है गोल, आप देख रहे हैं ये ऐसे गोल घूम जाता है, तो इंजन को ऐसे टर्न करते हैं, ये काइंड ऑफ जैसे हम गाड़ी का यू टर्न लेते हैं ना, तो ये जब रेलवे इंजन का यू टर्न लेना हो तो इस तरह से लिया जाता है काइंड ऑफ। गाइस ये क्रेन है, ठीक है, ऐसी क्रेन होती है, देखो ट्रेन्स की, सही है यार। तो गाइस ये कैटल वैन है, देखो एनिमल्स को ऐसे लिया लेके जाते थे इस तरह से, सही है यार, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस जो इंजन है ये 1936 में लॉन्च हुआ था, इतना पुराना है यार ये, देख सकते हो। और अंदर से कुछ ऐसा है, मैं अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो ऐसे होता था सिस्टम सब, टायर्स देखो भाई साहब। तो गाइस ये आ गया रेल कैफेटेरिया, यहाँ पे अंदर कैफेटेरिया भी है, अभी देखता हूँ यहाँ पे ओपन है कि नहीं है, पर अच्छा लग रहा है यार ये भी देखने में, यूनिक सा, बिल्कुल यूनिक, नाइस ब्यूटीफुल। गाइस अभी कैफेटेरिया में जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कुछ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ऐसे पिकनिक भी कर सकते हो, सही है यार जगह, ऐसा कुछ नहीं है, आउटिंग करो मस्त। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं खाने पीने के, आप देख सकते हैं कैफे में,
ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। और यार बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार ये, सच में बहुत ही सुंदर। यह है म्यूजियम जंक्शन और यह है जॉय ट्रेन, ठीक है, जिसकी टिकट मैंने आपको बताया था 50 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रश है यार। अभी शायद ही चढ़ूंगा मैं इस पर, बट आपको वैसे दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है, बस राउंड दिला देती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रेन, ये देख सकते हैं ऐसे। और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो ये अंदर बैठ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग है। और ये रहा इंजन इसका, गाइस आप अंदर देख सकते हैं नेशनल रेल म्यूजियम, ये अंदर जाके अभी पूरी हिस्ट्री सब कुछ जो बता रखा है शायद वो है, तो अभी जाके देखते हैं। और ये देखो लाइन यार बढ़ती जा रही है, स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे ना पिकनिक के लिए। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी खुली जगह है, आके फ़ोटो वगैरह खींचो, सब कुछ करो, इन्जॉय करो, नाइस। अब अंदर चलते हैं। तो गाइस अंदर कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया। और अंदर आप देख सकते हैं कि मोनूमेंट्स थे, ठीक है, रेलवे का पूरा बताया हुआ था, हिस्ट्री बताई हुई थी, ठीक है, काइंड ऑफ अ म्यूजियम ओनली। और यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं जा रहा हूँ प्लेनेटेरियम, नेहरू प्लेस प्लेनेटेरियम, ये भी बहुत ही अच्छा है यार, दिल्ली में बना हुआ है, मैं सोच दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं यार आज के दिन, तो बस अभी वहीं की तरफ निकल रहा हूँ। तो गाइस अभी आए हैं नेहरू प्लेनेटेरियम में, ठीक है, अंदर जाके शो होगा, ये वो देखेंगे, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। और यहाँ पे बाहर देखो आप कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो, पैटीज़ खा सकते हो, यहाँ से एंट्री है, बस यहाँ से अंदर जाएंगे, दिल्ली का एक्सप्लोर करते हैं आज यार। अभी आपको दिखाया था रेलवे का म्यूज़ियम, अब आपको दिखाएंगे नेहरू प्लेनेटेरियम दिल्ली। तो गाइस देखो ये लिखा हुआ है नेहरू प्लेनेटेरियम, 3D शोज़ 2D शोज़ होते हैं यहाँ पे, और एडल्ट की टिकट है 200, और अगर 2D देखना है तो है 100 रुपीज़। वैसे यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है यार, और ऑनलाइन चेक करी थी टिकट्स, वो भी बुकड आ रही हैं, कोई ना खड़े हैं यहाँ पे, अभी काउंटर क्लोज है, लेकिन अभी जैसे ही शो दूसरा कोई यू नो स्टार्ट होगा तो ये बुकिंग लेना शुरू कर देंगे, तब तक लाइन में लगे रहते हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी शो ख़त्म हुआ है, अभी लोग निकले हैं, टिकट ले ली है, बस यहाँ से एंट्री होएगी, जो टिकट प्राइस है वो आपको बता चुका हूँ, 200 रुपये लगे हैं 3D शो के एक बंदे के। तो गाइस यहाँ पे भी अंदर लाइन है, 4 बजे का शो है 3D। शो ख़त्म हो चुका है यार, बड़ा अच्छा उन्होंने प्लैनेट्स का एक्सप्लेन करा, और थोड़ा बहुत मैं दिखा पाया क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी बिल्कुल भी, फोटोग्राफी। और देखो सामने सनसेट हो गया, और अभी भी देखो दूसरे शो के लिए लाइनें लग रही हैं, बस अब यहाँ से निकलेंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा, यहाँ पे गार्डन वगैरह भी अगर आपको घूमना है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जाएंगे CP की तरफ। तो गाइस मैं CP आ गया था, CP में काफ़ी अच्छा लग रहा था इवनिंग में आके, और फिर मैं फटाफट एक कैफ़े में गया, वहाँ पे अपना खाना खाया, और उसके बाद मैं नोएडा की तरफ निकल गया। अब सो आपको आज का दिन अच्छा लगा होगा, ठीक है, दिल्ली को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा, आपको 2 म्यूज़ियम दिखाए, और मिलते हैं किसी ऐसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।